आज बहुत स्पेशल दिन है बिकॉज बिंदु जी और हेलेन जी आई हैं एंड वी आर सच ह्यूज फैंस और डांसिंग शो है और डांसिंग शो में डांसिंग लेजेंड्स आए हैं सो बहुत ही स्पेशल दिन है अमेजिंग एनर्जी है सेट पे हम बड़े हुए हैं इनके गाने इनके अमेजिंग परफॉर्मेंस देखते देखते एंड आई एम सो हैप्पी आई एम सो लकी दैट आई एम सिटिंग नेक्स्ट टू देम बहुत सारी स्टोरीज सुनने को मिल रही हैं बहुत अच्छा लग रहा है एंड ये एपिसोड आप लोग ज़रूर देखिएगा दिस ऑल्सो इज गोइंग टू बी वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट एपिसोड्स आइकॉनिक सॉन्ग्स पे डांस हो रहे हैं मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा लकी है क्योंकि हेलेन जी और बिंदु जी के सामने ही उनके सॉन्ग्स को परफॉर्म करेंगे एंड दे आर सच लवली ह्यूमन बींग्स सो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई अजायबी दुनिया में आ गई हूँ यानी इतने छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनका परफॉर्मेंस ये हमारे मतलब सोच से भी बाहर है हम लोगों को अगर दो स्टेप सिखाएंगे तो हमको याद करने में एक दिन निकल जाएगा ये तो पूरे गाने 3-4 दिन में वो भी एक नहीं 5-5, 6-6 गाने लोग रिहर्स करके परफेक्ट आ जाते हैं बेबू जी है मोनी जी हैं और अपनी सोनाली जी हैं इतने बच्चों के साथ सबके साथ इतने घुल मिल गए हैं दो बकेट नहीं लग रहा कि ऐसे लगता है कि जिस दिन ये शो खत्म होगा पता नहीं सबके दिल पे क्या दिखी मुझे बहुत खुशी हुई है यहाँ आके और आई विश कि हम लोग को बार बार बुलाए और हम लोगों को ऐसा मौका बार बार देखने का रूबरू में मिले दिल जलों का दिल जला के बहुत 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 अच्छा लग रहा है इतनी एनर्जी है छोटे बच्चे में और दे रिमेम्बर ऑल द स्टेप्स और कोरियोग्राफर को भी दाद देना चाहिए कि बच्चे लोग से इतना अच्छा काम निकालते हैं एंड यहाँ आके मैं वाकई बहुत खुश हूँ I've enjoyed the show. और आप जरूर देखिए कमिंग सैटरडे आप देखने वाले हैं ये बिंदु जी मैं और बाकी जजेस को मैं आज DID18 मास्टर में सबके साथ चैलेंज करने वाली हूँ और मेरा चैलेंज का नाम है ट्विस्ट योर टंग और आज देखते हैं कौन कौन ये चैलेंज जीत पाता है डबल बबल गम गम बबल डबल 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 डबल गबल बम गबल डबल डबल अरे यार हारे हम तो चैलेंज से हारे बोल सर दिन भर सोते रहते हो चलिए मैं आपको क्वेश्चन पूछने आई हूँ मैं घर पे था ना अरे सर आप भी यार जो सेंटेंस मैं बोलूंगी आपको हाँ बताना है बस बस चटाई पे चटनी चटाई 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 चटाई पे चटनी नदी किनारे है किराने की दुकान नदी किनारे है किराने की दुकान नदी किनारे है किराने की दुकान नदी किनारे है किनारे किराने की दुकान नदी किनारे है किराने की दुकान नदी किनारे है किराने की दुकान नदी किराने है नीले रेल लाल रेल 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 ग्रिल ग्रिल आपका ग्रिल नीले रेल लाल रेल नीले रेल लाल रेल नीले रेल लाल रेल वो सुनाई दे रहा है मैंने बोला 10 बार चीटिंग नहीं करूँ उनके पास है वहाँ पे चीटर वहाँ पे है उनके पास क्योंकि आपने नीले नहीं बिल्कुल नहीं बोला मैंने नीले रेल लाल लाल रेल ठीक है आप जीत गए ओके नहीं मिल रहा है आपसे मैंने देखा है आप कुछ अलग अलग अजीब अजीब सा चैलेंज दे रही हो इसलिए मुझे नहीं मिलना आपसे ओह नो मैम पहले
खेल तो लो, उसके बाद मजा आएगा। नहीं, मजा आपको आएगा, मुझे थोड़ी आएगा। अच्छा चलो ठीक है। कच्चा कद्दू पक्का कद्दू, कच्चा कद्दू पक्का कद्दू। एक ही बात देखे तो जोजो को खोजो, खोजो जोजो को खो। कितनी बार जोजो को खोजो खोजो जोजो को जोजो को खोजो खोजो जोजो को जोजो को खोजो खोजो जोजो को। नॉट बैड यार, आई एम नॉट दैट बैड। मैं जीत गया ना। इससे पहले कोई जीता है? नहीं किया था। कौन सा किया था? तू आ इधर बहन, इधर आ। हाँ इधर आओ। अच्छा खासा कंपटीशन मैं जीता, उसमें भी तुम्हें चैन नहीं मिल रहा। हर बार यू नो एंकर का पोपट करना जरूरी नहीं होता। अच्छा इससे पहले कितने लोगों ने किया? एक सेकंड, कहाँ जा रही आज तू? आज तेरा भी ये जो मन की भड़ास है ना Z5 में आने की, वो मैं पूरी करता हूँ, ठीक है ना? ये टीवी में आने की इतनी भूखी औरत है, सही बता रहा हूँ। जहाँ मौका मिलता है वहाँ कहीं कहीं ना कहीं घुस के यू नो अपने टीवी में आना चाहती है, तो आज मैंने इनको मौका दे दिया है। अभी तक कितने लोगों ने चैलेंज जीता है? मौनी मैम और उसके बाद मैं। देखो ट्यूनिंग हमारी, हम अच्छे दोस्त हैं इसलिए। लेकिन क्या है कि ये मेरी बहन को प्रॉब्लम हो रही है कि मैं जीत गया हूँ। क्या है कि इनको मजा तभी आता है जब मैं हारता हूँ। जीतते वक्त तो कभी कुछ करते नहीं है। तो आज काफी लोग थोड़ा सा नहीं कर पाए मेरी बहन, तो नेक्स्ट टाइम मैं और ज्यादा गेम लाऊंगी जो बहुत स्पीकर दे। देखिए Z5 पे। बाय बाय। हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है मेरे शो में दूसरे चर्चा में। संदीप जी ने पिछली बार मेरा शो ले लिया था, लेकिन शो मेरा ही है दूसरे चर्चा, और मैं फिर से आ गई शो में। इस बार हमारे मेहमान आने वाले हैं, तो वो एक टीम से भी नहीं, दो टीम से भी नहीं, और तीन टीम से है। वो है बेस्ट फ्रेंड, तो चलो आइए बुलाते हैं। क्यों बनी है जैसे रूम है, जैसे से बैठो। चलो शुरू करते हैं। तो लड़के चलो शुरू करते हैं गेम। एक जो सारे बेस्ट फ्रेंड है वो टीम से है, ये वैभव सर की टीम से, और ये पॉल सर की टीम से, और ये वर्तिका मैम की टीम से। पहले अपुन दीदी और ऋषिका दीदी। चलो आ जाओ गेम शुरू करते हैं। आप दोनों की दोस्ती कितनी है? हम दोनों की दोस्ती बहुत ज्यादा है, मतलब ट्रेन और एरोप्लेन जितना बड़ा होता है उतना हम लोग खुश है कि हम दोनों दोस्त है ना। चलो देखते हैं ऋषिका दीदी और अपुन दीदी के बीच में कितनी दोस्ती है। सेटअप प्लीज। मेरे स्टाइल में क्यों बोल रही है? अरे चुप करना, गेम खेल चुपचाप से। अपुन दीदी आपको ना वो कॉटन लेके ना वो डब्बा पे डालना है, ऋषिका दीदी आपको वो डब्बा ऐसे पकड़ना है। लेकिन एक चीज है, आप दोनों के बन आंख रहेंगे और अपुन दीदी आपको एक मिनट में 30 बॉल्स डालना है। ओके ओके, तो गेम शुरू करें। चलो नेक्स्ट गेम खेलते हैं।
और भैया के साथ में नेक्स्ट सेटअप प्लीज। तो आप लोग कितने अच्छे दोस्त हो? हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। चलो आ जाओ, मैं आरव भैया के सर में कार्ड रखूंगी और आपको एक्टिंग करना है और आरव भैया गेस करेंगे और आप लोग को एक मिनट में 5 सही जवाब देना है, हार गए तो दूध पीना पड़ेगा। रेडी? रेडी। चलो गेम शुरू करते। सही जवाब। तो नेक्स्ट सही जवाब। चीटिंग कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं ऐसे बोल ऐसे बोल रहे चीटिंग, आपको देखना चाहिए। चलो भैया चीटिंग मत करो, ऐसे बोलना पता नहीं है। तो चलो नेक्स्ट, इसमें आप लोग हार गए। नेक्स्ट में थे और जब हम टॉप 15 में सिलेक्ट हुए थे तब हम दोनों एक साथ मिले थे। तो फिर जब पता चला कि हम दोनों वर्तिका मैम की टीम में, तो हम दोनों बहुत खुश हुए और हम दोनों एक साथ रिहर्सल करते, बहुत ज़्यादा मस्ती करते क्लास में, इसलिए हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। गेम ये है कि आपके आँख में एक पट्टी होगा और आपको वो डब्बा पे आपको एक बॉल डालना है और आपको वो डब्बा ऐसे पकड़ना है और आप लोग वो बॉल आपको नहीं डाल सके तो आप आउट हो जाएगा और एक मिनट में 20 बॉल डालना है। ओके, गेम शुरू करने के लिए रेडी? यस। चलो आ जाओ। इससे पता चलता है कि कोई किसी का बेस्ट फ्रेंड है ही नहीं।